Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, in the previous video we learned the new words of this lesson, safety rules. Now today we will understand this lesson, and along with that we will read. So first we will understand what is safety. Safety means the state of being safe. Safety ka matlab hota hai hame apne aap ko kis tarah se surakshit rakhna chahiye. Uske bare mein hum is lesson mein dekhenge. Hame alag alag bataya gaya hai hame ghar par kis tarah se surakshit rehna hai road pe. Now let's start. We must follow the rules to keep ourselves safe. हमें खुद को सुरक्षित रखने के लिए नियमों का पालन करना चाहिए. We should follow these safety rules at home as well as outside. हमें सुरक्षा नियमों का पालन घर पर ही नहीं बल्कि बाहर भी रखना चाहिए. Now, at home. हमें घर पर किस तरह से सुरक्षा रखनी चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे. वी शुड नॉट प्ले विथ फायर इन द किचन. हमें रसोई में आग से नहीं खेलना चाहिए. वी शुड नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक सीजर्स एंड नाइफ्स. हमें कैंची और चाकू जैसी तेज वस्तुओं से नहीं खेलना चाहिए. वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस When in use, हमें उपयोग में होने पर बिजली के उपकरणों यानी स्विचेस को नहीं छूना चाहिए. We should not put fingers in electric sockets. हमें इलेक्ट्रिक सॉकेट में उंगलियां नहीं डालनी चाहिए. We should not touch and take medicines without asking the elders. हमें बड़ों से पूछे बिना ना ही दवाइयाँ छूनी चाहिए ना ही खानी चाहिए. सो स्टूडेंट्स, एट होम में हमने इतने सारे सेफ्टी रूल्स पढ़े, इन्हें हमें फॉलो करना चाहिए. जैसे हमें ना ही रसोई में फायर का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें उसका अगर यूज़ नहीं करना आ रहा है तो उससे बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी भी पॉसिबल हो सकती है. ना ही हमें सीज़र और नाइफ जैसे यानी चाकू जैसी शार्प चीज़ों को हमें नहीं छूना चाहिए. और हमें गीले हाथों से यानी जब हमारे हाथों पे पानी लगा हो तो हमें जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यानी स्विचेस वगैरह होते हैं हमें उन्हें नहीं छूना चाहिए, नहीं तो हमें करंट लग सकता है. और बिना बड़ों से पूछे हुए हमें मेडिसिन यानी दवाइयाँ भी नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो वो नेगेटिव इफ़ेक्ट भी कर सकती हैं हमें. ऑन द रोड, अब रोड पर हमें किस तरह से सेफ्टी रखनी चाहिए उसके हम अलग अलग रूल्स देखेंगे यहाँ पर. वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. हमें हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए. फुटपाथ पर जो आपने देखा ही होगा जो रोड के दोनों साइड बना होता है. ओके, वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड. हमें रोड पर यानी सड़क पर नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई अगर व्हीकल्स आता है, अगर कोई फास्ट व्हीकल है और हम रोड पर खेल रहे हैं तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, तो हमें रोड पर नहीं खेलना चाहिए. वी शुड नॉट रन वाइल क्रॉसिंग द रोड. हमें रास्ता यानी सड़क पार करते समय नहीं भागना चाहिए, क्योंकि कोई व्हीकल की स्पीड कितनी है और हमने देखे बिना ही हम अगर दौड़ते हुए रोड क्रॉस कर रहे हैं तो व्हीकल हमें नुकसान पहुंचा सकता है. वी शुड क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक इज क्लियर. जब सड़क पर ट्रैफिक ना हो तभी हमें सड़क पार करनी चाहिए. वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड ओनली एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग. हमें हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ही सड़क पार करनी चाहिए. बच्चों, आपने ज़ेब्रा क्रॉसिंग देखी है?
जो वाइट स्ट्राइप्स बने होते हैं रोड पर, उसी पर ही हमें चलकर रोड क्रॉस करना चाहिए। वी मस्ट वॉच द ट्रैफिक लाइट केयरफुली वाइल क्रॉसिंग द रोड। सड़क पार करें तब हमें ट्रैफिक लाइट्स को अच्छी तरह से देखना चाहिए। आपको पता होगा ट्रैफिक लाइट्स में कितने कलर्स होते हैं। यस, देयर आर 3 कलर्स इन ट्रैफिक लाइट, रेड, येलो एंड ग्रीन। द रेड लाइट मीन्स स्टॉप। रेड लाइट का मतलब होता है रुको, यानी अपने वाहन को वहीं पर स्टॉप करो। द येलो लाइट मीन्स वेट। येलो लाइट का मतलब होता है वेट करना, यानी इंतज़ार करना। इंतज़ार किसका? जब सामने वाले रास्ते पर अगर व्हीकल्स जा रहे हैं तब तक हमें वेट करना चाहिए। द ग्रीन लाइट मीन्स गो। ग्रीन लाइट का मतलब होता है गो, यानी जाएं, अपने वाहन को लेकर जाएं, क्योंकि रेड से वो लाइट ग्रीन हो गई है तो हमें अपने वाहन को लेकर जाना चाहिए। मोर टू नो, ज़ेब्रा क्रॉसिंग इज एन एरिया ऑन द रोड विथ ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स, पीपल क्रॉस द रोड फ्रॉम हियर। ज़ेब्रा क्रॉसिंग यानी जो काले और सफ़ेद धारी वाले सड़क पर एक क्षेत्र है जो जिस पर लोगों को यहाँ से सड़क पार करना चाहिए। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी हैव अंडरस्टूड सेफ्टी रूल्स एट होम एंड ऑन द रोड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल अंडरस्टैंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन।